हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इफ्ती आर्ट स्टूडियो में। मधुबनी पेंटिंग के जो बॉर्डर अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, उसको कैसे किया जा सकता है, उसका बहुत ही इजी वे में, बहुत ही शॉर्टकट में, बहुत ही आसान आसान तरीके के इस वीडियो में मैं बॉर्डर बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और आप इससे कुछ सीख पाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं जो पेपर है वो मैं नॉर्मल पेपर A4 साइज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मैंने मार्कर इसमें जो मोटा मार्कर होता है वो मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो अकॉर्डिंग टू जो आपका सरफेस है, आप किस बेस पे आप करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ब्रश का चूज़ कर सकते हैं, निब का, कलर का, एक्रेलिक में करना है, वाटर में करना है, पोस्टर में करना है। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है। और दोस्तों, ख़ास बात ये है कि आपको हो सकता है कि आपको ये लगे ये लाइन सीधी नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि मधुबनी पेंटिंग की ये खासियत है, एक करेक्टरिस्टिक है, उसकी विशेषता है कि इसमें कोई प्रिपरना कोई ड्राइंग नहीं होता है, कोई पहले से कोई स्केचिंग नहीं किया जाता है। जो इसकी जो ओरिजिन है, जो इसकी जो स्टार्टिंग है, जो लोग करते थे वो कोई स्किल आर्टिस्ट नहीं थे, वो आम लोग थे। आप जानते हैं मधुबनी फोक कला कहलाता है, फोक आर्ट कहलाता है, तो फोक आर्ट वो करते थे और उनके अंदर एक ट्रेडिशन है, उसको फॉलो करते थे। ओकेजनली वो उस पर दीवारों पे किया करते थे, तो वो उनके पास आज की तरह मार्केट में जो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, ब्रश हो या मार्कर हो, टेक्निकल पेन है, निब है, बहुत सारे स्केच आते हैं, तो ये सब पहले नहीं अवेलेबल था। वो लोग बांस की तीली का कॉटन लगा करके उससे दीवार पे ड्राइंग किया करते थे, मधुबनी पेंटिंग बनाया करते थे। तो आप चूँकि ये अगर पेपर पे करना हो तो आप देख रहे हैं कि मैंने मार्कर इस्तेमाल किया है, तो आप मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो डोटिंग पेन आता है, ड्राइंग पेन आता है, और भी कई तरह के पेन आते हैं, आप उसे भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। आप कलर के लिए मैंने इसमें मैं पोस्टर कलर इसमें इस्तेमाल किया हूँ, चूँकि ये A4 पेपर है। अगर ये कैनवास होता या हैंडमेड पेपर होता तो मैं वाटरप्रूफ एक्रेलिक फैब्रिक जो कलर आते हैं वो मैं इस्तेमाल करता, और कैनवास पे करते तो एक्रेलिक कलर से करते, तो डिपेंड करता है कि हम किस सरफेस पे हम कर रहे हैं। इसमें जो हमने कलर इस्तेमाल किया है वो पोस्टर कलर है कैमल का, जिसको आप पानी से आराम से मिक्स करके इस पर मैंने किया है। तो ये मैं आप लोगों को सिखाने के लिए बता रहा हूँ, आप अपने चॉइस से भी कलर का शेड आप चूज़ कर सकते हैं। और मेन खास बात यही है कि ये बहुत ही वाइब्रेंट होता है, यहाँ पे कोई फिक्स इसका कोई स्पेस नहीं है, बस इसमें है कि दो चीज़ें कलर होंगे, डिज़ाइन होंगे, पैटर्न, फिर उसमें जिसको कचनी कहते हैं वो हैचिंग जो आप देख रहे हैं क्रॉस क्रॉस, वो कचनी कहलाता है, वो कचनी होगा। तो ये सब डिज़ाइन है आइडेंटिफाई करने के लिए मधुबनी पेंटिंग के बॉर्डर हैं या मधुबनी पेंटिंग के स्टाइल का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन मिले। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो मिथिला पेंटिंग में जो एनिमल या वर्ड्स या और जो ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं वो किस किस तरह से बनते हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें।